अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड ब्लेंडिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बड़े मज़ेदार सा फिश कीमा बना रही हूँ, लालू खेत डाक खाने वाला, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत मज़ेदार है। बहुत सारे लोगों को वो बहुत पसंद है और वो खाने ही, लालू खेत डाक खाने जो है वो फिश का कीमा खाने ही जाते हैं। वहाँ पर बहुत लजीज बनता है। और उसके लिए जो अज्जा हमने लिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पर हमने आधा किलो बोनलेस फिश ले ली है और उसके इस तरह से हमने ये पीसेस करवा लिए हैं। ज़्यादा छोटे नहीं कराने हैं क्योंकि ये खुद इतनी नरम होती है कि कुक होने के बाद फौरन खुद ही छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं, तो इसलिए हमने इतने बड़े पीसेस करा लिए हैं इसके। और साथ ही हमने यहाँ पर 2 कप जो है अंडे वाली प्याज ली है। प्याज जो है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना प्याज के फिश का कीमा बिल्कुल ही बदमज़ा बनेगा, इसलिए फिश बहुत ज़रूरी है। 2 कप प्याज लिए हमने और अगर तकरीबन समझे 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज हमने काटी है। 1 अदद हमने लेमन लिया है जिसका हम जूस इस्तेमाल करेंगे। सिरका लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, चाट मसाला लेंगे 1 टेबल स्पून और स्पाइसेस में हमने लिए हैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और यहाँ पर हमने गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून लिया है, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून लिया है, नमक हसबे जायका यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैंने भुना कूटा धनिया लिया है और यहाँ पे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं और यहाँ हमने हरा धनिया लिया है, इसे वॉश कर लिया है। ये तकरीबन पूरी 1 गड्डी हरा धनिया हमने लिया था और इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 1/2 कप ऑयल लिया है, कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दिया है और यहाँ हम फिश के अंदर मसाले मिला लेंगे। ये तमाम स्पाइसेस फिश में डालेंगे। 2 टेबल स्पून सिरका डालेंगे, 1/4 टेबल स्पून आप चाहें तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी, मुझे जल्दी थी तो इस वजह से मैंने जो है जिंजर गार्लिक पाउडर मिलाया है। 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे और यहाँ हमने ऑयल रख लिया है, ये गर्म हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं और हम इसमें डालते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमने यहाँ पर प्याज डालने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है इसे भूना है और इसमें चाट मसाला और लेमन जूस भी शामिल कर दी है। ये बेहतरीन खुशबू आ रही है, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर दें। तो ये देखें व्यूअर्स, मज़ेदार सा फिश कीमा हमारे पास बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है
और माशाल्लाह से बहुत जायकेदार बना है। आप इसे जरूर ट्राई करें। मैं बहुत बार इसे बना चुकी हूँ, बहुत मजेदार बनता है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें फेसबुक वगैरह पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरे आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी।